देखिए इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी सामने आ चुका है। अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये आपको लाल बक्सा नजर आ रहा है, रेड बॉक्स नजर आ रहा है। ये रेड बॉक्स कहां से मिला ये आपको बताते हैं। दरअसल मौका है वारदात से, आपने रिपोर्ट तो देख ली ग्राउंड से, लेकिन जिस घर में हत्या हुई थी उस घर की बैक साइड की अगर बात करें तो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस घर की बैक साइड पर रेड बॉक्स मिला है, लाल बक्सा मिला है। और इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि इस बक्से को बरामद किया गया है। मिस्ट्री, एक अलग मिस्ट्री सामने आई। सवाल खड़ा होता है कि लाल बक्सा आखिर इधर पीछे घर की बैक साइड पर कैसे आया? क्या अगर चोर घुसा था चोरी के मकसद से तो लाल बक्सा उसने ध्यान भटकाने के लिए किया कि जांच से थोड़ा सा ध्यान भटक जाए इसलिए बक्सा वहां पर रखा गया, या फिर इस बक्से के अंदर कुछ है, या कोई इस बक्से को ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद आनन फानन में जल्दी जल्दी में ये बक्सा वहीं पर रह गया। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और आखिर इस बॉक्स का कनेक्शन क्या है, इस लाल डब्बे का, इस रेड बॉक्स का कनेक्शन क्या है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पर इस रिपोर्ट को देखिए आप। बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या की ये तस्वीरें भयावह हैं। धारदार हथियार से एक नहीं कई बार शरीर पर कई जख्म, घर का बिखरा हुआ सामान। सवाल उठ रहा है कि बदमाश जब वारदात को अंजाम दे रहे थे तब घर के नौकर और ड्राइवर कहां थे? अगर घर में थे तो उनको वारदात की भनक कैसे नहीं लगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस तलाश रही है। मुकेश सहनी और उनके पिता का एक बड़ा कारोबार है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स चोरी के इरादे से घर में घुसा था। पहले उसने जीतन सहनी को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। इसलिए बिहार पुलिस चोरी के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन दूसरा एंगल पुरानी रंजिश भी है। इतना बड़ा कारोबार होने की वजह से शक की सुई किसी पुरानी दुश्मनी के एंगल की तरफ भी घूम रही है। जीतन सहनी की हत्या के बाद एक अहम जानकारी सामने आई। गांव वालों ने बताया कि जीतन सहनी सुबह 4 बजे घर में भजन किया करते थे। मंगलवार की सुबह जब भजन की आवाज नहीं आई तो उनके घर के बाहर फूल तोड़ने पहुंची कुछ महिलाओं को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही कोई आहट हुई। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और लोग भी पहुंचे और पीछे का दरवाजा टूटा हुआ पाया तो ये सब देखकर सन रह गए। वहां खून के धब्बे थे। लोग अंदर दाखिल हुए तो जीतन सहनी का शव बिस्तर पर ही शत विक्षिप्त हालत में पड़ा था। जीतन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से कई बार किए गए थे। एफएसएल की टीम जब मौके पर पहुंची तो मर्डर मिस्ट्री में एक लाल बक्से की भी एंट्री हुई। हमरा की मन सुने दो खिड़की सम देख रही दो ऊ गेट है धाजी टूटल है लो ओहो धाजी टूटल छ ए बाटे के लिए फरावर रहे या नहीं सिया हमरा बुखार गल दे सिया लगा के देखम दो के तिजोरी हम देखले पैन न तिजोरी बन तिजोरियो पैन ठकल छ आ ऊ धाजी टूटल छ कन देखी न मिल के हम भीतर जो हम गेलिए गेटे पर छ एना देख ले जे फाट के पहुंच गेल काम ओते हमरा। जीतन सहनी के घर के पीछे फेंका गया ये लाल बक्सा देखिए। इस लाल बक्से में मर्डर के राज छिपे हो सकते हैं। एसएसपी दरभंगा के मुताबिक ये लाल बक्सा घर के पीछे से बरामद हुआ है। अब सवाल ये है कि लाल बक्सा कहां से आया? ये किसी ने जानबूझकर रखा या चोरी के दौरान बक्सा लेकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे? कहीं हत्यारों ने ध्यान भटकाने के लिए लाल बक्सा तो बाहर नहीं फेंका? रेड बॉक्स की गुत्थी क्या है उसको सुलझाने और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एसआईटी जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब बिहार में हाई प्रोफाइल नेता के पिता ही सुरक्षित नहीं, घर में घुसकर उनकी निर्मम हत्या अंजाम दे डाली, तो फिर आम जनता की क्या बिसात? वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी?
इसलिए बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की चर्चा फिर शुरू हो गई है और सवाल उठ गया है कि सुशासन में हड़कंप क्यों मचा है और सुशासन है कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल सही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब इतने हाई प्रोफाइल नेता के पिता की हत्या घर में घुसकर कर दी तो आम जनता का क्या होगा। देखिए, इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, 10 बड़े सवाल जो खड़े होते हैं वो आपको अब हम बताएंगे। सवाल नंबर एक ये है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा आखिर कौन है, कौन हत्या करने के लिए आया या किसने हत्या के लिए किसी और को भेजा। पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल, जीतन की हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या है, कारण क्या है, हत्या क्यों की, क्या रंजिश थी, चोरी करने के लिए कोई घुसा था, हुआ क्या एग्जैक्टली। सवाल नंबर तीन, वारदात के वक्त घर के नौकर आखिर कहां पर थे। सुनने में आया 2 से 3 नौकर थे घर में। अब कोई अगर घर में आ चुका है और कोई हमला कर रहा है तो नौकर कहां गए, क्यों किसी ने नहीं सुना। सवाल नंबर चार, जिस तरह से मर्डर, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चोरी भी हो सकती है, रंजिश भी हो सकती है, कारोबारी थे बड़े, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर पांच, क्या जीतन की हत्या में किसी अपने का हाथ तो नहीं है, अपना हो सकता है इसके पीछे कोई बेटा, क्योंकि एक बड़ा नेता है, राजनीति में भी है, कारोबारी भी है, कोई अपना तो नहीं था। सवाल नंबर छह, क्या कातिलों ने फ्रेंडली एंट्री का फायदा तो नहीं उठाया, यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर सात, क्या जीतन की हत्या से पहले रेकी की गई थी, यह भी हो सकता है, यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर आठ ये है, क्या पूरी प्लानिंग के तहत जीतन की हत्या की गई, प्रॉपर प्लानिंग की गई, क्योंकि नौकर भी घर पे थे, आसपास में लोग भी होंगे, घर आपने देख लिया। सवाल नंबर नौ ये कि मौके से मिले 3 गिलास क्या इशारा कर रहे हैं, क्या घर में कोई आया पहले जीतन से बात की, यह भी सवाल खड़ा होता है। आप पहले बात हुई होगी, विवाद बड़ा होगा, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 ये कि घर के पीछे से बरामद लाल बक्से का राज क्या है, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपने रिपोर्ट भी देख ली। और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आ रहा है, कोई जंगल राज की बात कर रहा है, कोई सुशासन की बात कर रहा है, कई सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। आखिर किस नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में, इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है, माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, ये महाजंगल राज अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे।